Hello all, myself Pinki Kumar. Today I am sharing with you self-biting, especially the self-biting on the hands, on some the same body part of the child. काफ़ी request आ रही थी. Many parents asked me, तो I thought कि I will share why the on the self-biting. First, we need to be understand why the children do the self-biting of themselves. वो अपने आप को क्यों bite कर रहे हैं, अपने आप को क्यों pain में ला रहे हैं, क्यों like why like as a parent we whenever we see a child we feel like why this he is doing this and that. Mostly क्या होता है कि self biting का सबसे main reason है communication issues, like they are in a stress, they are in a some excited, in the both the cases they start doing this. Even कि इतना कर देते हैं, कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी skin भी खराब हो जाती है. Still they are doing the self biting on the same position, and as a parent we feel very bad कि क्यों बच्चा हमारा self bite कर रहा है. तो as a teacher हम लोगों को बहुत ही बुरा लगता है क्यों हमारा बच्चा ऐसा है. Like we are trying to help the child, we are trying to solve the child this issue कि वो अपने आप को self bite ना करे. First of all क्यों करते हैं इसका हमें ढूंढना चाहिए reason. As I said communication, they try to relieve their stress, they are in some stress of the work, stress of the boring, stress of the some frustration, stress might be stress of the headache, might be they didn't sleep very well last night, might be they are hungry, might be some teeth ache. जो ये reasons हैं कि might be headache, sleeping issues, eating का issues भी हो सकता है, teeth pain हो सकती है, कोई frustration हो. जैसे हमने बच्चे से बहुत सारी डिमांड पे डिमांड हम काम की कर रहे हैं, उससे बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो या बच्चे को वो काम नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, या बच्चा इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो कि वो काम से वो बोर हो चुका है. तो हाउ टू कम्युनिकेट कि आई डोंट वांट टू डू रादर देन दे डू दिस. ठीक है, देयर एंग्जाइटी, देयर एस्केप टू फॉर द जॉब, द वे दे हैव डू द सेंसरी, कुछ इंटरनली वो सेंसरी इनको बॉदर कर रहा हो तो भी बच्चा अपने आप को ही सेल्फ बाइट करने लग जाते हैं. एज अ पेरेंट, एज अ टीचर वी फील वेरी बैड एंड वी ट्राई टू डू समथिंग कि वी हेल्प अवर चाइल्ड एंड वी हेल्प कि वो इस चीज़ को वापस ना करें. तो कैसे हम हेल्प करें, क्या करें हम उस समय जब बच्चा अपने आप को सेल्फ बाइट करे. सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर उस समय जब बच्चा सेल्फ बाइट करे उस समय आपको बच्चे को वी काउंट 5 एंड देन वी विल रिमूव. फिर झटके से मत हाथ खींचो. ठीक है, झटके से हाथ खींचने पे या चिल्लाने से या चीखने से या बच्चे को डोंट डू आपको कभी भी कहीं पे भी बच्चा नहीं छोड़ता है. इन माई स्कूल आई सॉ कि जो भी बच्चों को मैंने देखा सेल्फ बाइट करते हुए, कब कितना भी आप हाथ खींच लो उनका और वो जख्म बढ़ता चला जाता है. ठीक है, उनके दांतों की ग्रिप और बढ़ती चली जाती है. रादर देन माइल्डली वी विल से ओके you leave your hand after 5 count, 1 2 3 4 5, and then motivate the child, okay leave your hand and try to lose the child hand. okay, उसके बाद बच्चे से उससे रिलेटेड बात मत करो कि यू आपको सेल्फ बाइट नहीं करनी चाहिए, कोई सोशल स्टोरी नहीं, कुछ मत. अब जितनी सोशल स्टोरीज होंगे या जितनी भी उस चीज़ से रिलेटेड बात करोगे वो बच्चे को और प्रोपोगेट करता है कि इफ़ आई डू दिस एक्टिविटी आई गेट अ मोर अटेंशन. ठीक है, इवन कि हम पेरेंट्स के साथ भी उस बच्चे के सामने ये बातें और डिस्कशन नहीं करते थे, और पेरेंट को भी हम समझाते थे कि ये बातें और ये डिस्कशन बच्चे के सामने मत करना, उसके फादर को बताना या किसी को बताना, बैक में जाके बताना, बच्चे के सामने ये सारे मत बताना कि ही डिड अ सेल्फ बाइट. पॉजिटिवली आराम से बच्चे के हाथ से निकाल दो और आराम से बच्चे को इट्स ओके. क्योंकि बच्चे को यहाँ पे पेन और हो रहा है तो वहाँ पे कोई क्रीम लगा दो, कुछ सूद कर दो और बच्चे को इट्स ओके इट्स ओके. दिस हेल्प अस टू चाइल्ड टू काम डाउन, क्योंकि उसने अपने आप को सेल्फ बाइट ये सब एक मेल्ट डाउन, एक ओवर एंशियस फॉर्म में किया. ठीक है, वी वांट टू फर्स्ट सूद द चाइल्ड. हम हमेशा चाइल्ड को पहले उस समय सूद करते हैं इट्स ओके इट्स ओके, एंड कुछ हो तो उसे टैप भी कर दो इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले बच्चे को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, ठंडा पानी हो तो वो पानी पिला दो उसे, बच्चे को रीडायरेक्ट करो किसी और चीज़ को जो आपको पता होता है। हम जैसे हम भी स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हैं, हमें पता होता है कि ये वाली एक्टिविटी बच्चे को बहुत अच्छी लगती है। पहले बच्चे को सूद करो, फिर अपनी इंटरनली माइंड में पहले कुछ काउंट करो, बच्चे से को देखो बच्चा नॉर्मलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बच्चे की नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ एक्टिविटी देते हैं जो कि बच्चे को पसंद हो। लाइक हमने जैसे ये पजल रखा बच्चे के सामने, ठीक है, ये दो पीस हटा दी, पहले उसे कहा ये ज्वाइन कर, तो बच्चे को आता है ये वाला काम, उसे ऐसे ज्वाइन कर। इट्स मीन्स चाइल्ड इज काम डाउन। फिर हम उसे धीरे धीरे शांत करके उसकी मोटिव उसको रीडायरेक्ट करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिस जो कि बच्चे को बहुत पसंद हो, ताकि बच्चा उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। एंड वो बार बार वो जो बार बार आता है, क्योंकि जब भी सेल्फ बाइटिंग एपिसोड आता है तो मैं देखती हूँ बार बार आता है, आपने हटाया फिर दोबारा से, तो राधा दिन वो दोबारा अपने आप को करे। आप उसको काम डाउन करो, उसको रीडायरेक्ट करो दूसरी एक्टिविटीज़ में और शांत रहो, ताकि बच्चा भी जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। साइमल्टेनियसली आई ऑलवेज एडवाइज पेरेंट्स कि आप अपने ओपीटी से या जो भी जहाँ से भी आप स्पीच ले रहे हो उनसे बात करो, पूछो कि कौन सा ट्यूब मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, ताकि बच्चे का चीव करने के लिए रादर देन हैंड सब अल्टरनेटिव मिल जाए, ठीक है। अगर हेल्प होती है तो बहुत अच्छा है। हार्ड फूड च्यू करने के लिए दो, जैसे कोकोनट, हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कोकोनट के बच्चे को च्यू करें, स्ट्रॉन्ग से चिप्स वगैरह, ताकि बच्चे को जैसे चिप्स में आप बेसन के गट्टे आते हैं या बेसन की काफ़ी सारे चीज़ें आती है बनी हुई मार्केट में, जो भी हार्ड चीज़ हो उसको बच्चा च्यू करे। कोकोनट बेस्ट है अगर बच्चा कोकोनट च्यू करता है, क्योंकि कोकोनट एनीवे इट्स अ गुड फॉर द बॉडी एंड गुड फॉर द मेकिंग द स्ट्रेंथ एंड मेकिंग दिस। आप बच्चे की मसाज भी कर सकते हो, आप हैंड्स को वॉश करो और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बच्चे की जॉज में मसाज करो। इससे बच्चे की टीथ में सूदिंगनेस आएगी। अगर टीथ में कोई सेंसरी उसको इशू आ रहा है, ओरल कोई सेंसरी आ रहा है, वो काम डाउन होगा। साइमल्टेनियसली आप एक बार मेडिकल एडवाइस भी लेके देख लो, एक्सेस करा के देख लो कि बच्चे की टीथ में या ओरल में इंटरनली कोई इशू तो नहीं है। डेट्स वाई द चाइल्ड इज स्टार्टेड द बाइटिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो आपको च्यू ट्यूब्स अपने ओपीडी से पूछ के देना है, जो भी आपका स्पीच थेरेपिस्ट है। हार्ड फूड खिलाना है, कोकोनट लाइए, और बच्चे की गम मसाज करना है। और बच्चे को कोशिश करना है कि जितना हो सके उसको एक्टिविटीज़ में जो भी बच्चे की फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी बच्चे को काम पसंद है, पेस्टिंग पसंद है, कलरिंग पसंद है, फेविकोल से काम पसंद है, फाइन मोटर के जितने भी काम पसंद है, वो काम बच्चे से ज़्यादा कराओ, ताकि बच्चा एंगेज रहे और बच्चा अपने आप को सेल्फ बाइट नहीं करे। डिमांड अपनी तरफ से कम कर देना, ठीक है। जहाँ पे बच्चे ने काम अपने आप को बाइट करता है, वहाँ क्रीम लगा के रखो, या बच्चे को वो यहाँ देखो चोट लग गई है आपको, बस क्रीम लगाओ। ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अगर आप किसी से डिस्कशन करना चाहते हो तो बच्चे के सामने नहीं, उसके 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 अब्सेंस में उसके साथ डिस्कशन करना, ठीक है। और बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। आप मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी लिस्ट देख सकते हो। आपके बच्चे के और आपके पास जो है सामान, उससे अवेलेबल जो भी पॉसिबल है वो फिजिकल एक्टिविटी कराओ। बच्चे की फेस मसाज करो, हेड मसाज करो, बॉडी मसाज करो। मैंने अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारी मसाजेस की वीडियो डाल रखी है। आपको जो भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग है आप उसकी मसाजेस करो। मसाजेस क्या करता है, बच्चे को काम डाउन कर रहा है, बच्चे की एंजाइटी को लो कर रहा है, बच्चे की फ्रस्ट्रेशन को लो कर रहा है। अगर हम इन सब को लो करेंगे तो बच्चा अपने आप को सेल्फ बाइट भी कम करेगा। अगर ये सेल्फ बाइटिंग एपिसोड किसी दिन क्या मैंने देखा था अपने काफ़ी स्टूडेंट को, किसी दिन उनके सेल्फ बाइटिंग एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी आ रहा होता था, ठीक है। अगर किसी दिन बच्चे की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो रखी है तो उस दिन बच्चे से डिमांड ऑफ द वर्क, एज ए डिमांड ऑफ द वर्क जो कि बच्चे को हमें पता है फ्रस्ट्रेशन लाता है, बच्चे के लिए टफ है, वो मत कराओ। आप अपने घर में वो सारे काम मत कराओ जिससे आपको पता है। और अगर आप डेली ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखोगे कि बच्चे को आप मसाजेस करो फेस पे, उसे गम मसाजेस करो, उसको ओपी वो उसको च्यू ट्यूब दे रहे हो, उसको हार्ड फूड क्रंचेस फूड करवा रहे हो, उसको इंगेज करो, धीरे धीरे देखोगे ये चीज़ें बच्चे का सेल्फ बाइट करना कम होता चला जाएगा। अगर फिर भी आपका कम नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो, देन यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर टू. Might be doctor will be a neurologist या psychiatrist may be help you to in some way कि हम बच्चा इतना anxious ना हो, इतना ज़्यादा frustrated ना हो. ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सिंग सॉन्ग करना, बच्चे के साथ को टॉय से खेलने लग जाना, सैंड प्ले करने लग जाना, वाटर प्ले करने लग जाना. तो होप दिस वीडियो हेल्प यू टू मेक योर चाइल्ड टू रिलीव फ्रॉम द सेल्फ बाइटिंग. एक और चीज़ आप कर सकते हो, एक छोटा सा मंथली कैलेंडर बना सकते हो जिसमें आप हर दिन का देखो, लिखो कि बच्चे ने आज सेल्फ बाइट कितनी देर की, कितनी बार की. और जब आप ये सारी एक्टिविटी करते हो तो चेक करो कि वो डिप्राइव हो रही है कि नहीं हो रही है. नहीं हो रही डिप्राइव तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिल सकते हो और बच्चे की हेल्प कर सकते हो ताकि बच्चे की वो कम होती चली जाए और आपका बच्चा इससे ठीक हो पाए. Hope this video you like it. Please subscribe my channel. Thank you so much.